सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं छोटे विशाल टैग। तो दोस्तों, आप लोगों के भी मन में एक ख्याल आता होगा कि हम क्यों ना हम एक फ्लिपकार्ट से जाके EMI पर हम अपना फ़ोन ले सकते हैं और सभी दुकानों का झंझट छोड़ सकते हैं। तो अपनी मनपसंद, जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारे मोबाइल मिलते हैं और ऑफलाइन वो दुकानों पर नहीं मिलते हैं। तो चलिए, बने रहे वीडियो पे। वीडियो पे नहीं तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज मैं बताने वाला हूँ पूरा इसमें वीडियो के माध्यम से पूरी ट्रिक, और इसी प्रकार से मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँगा। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पे मैं देखिए फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे चलता हूँ। एप्लीकेशन पे जाने के बाद में यहाँ पे कोई सा भी एक फ़ोन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फ़ोन कोई सा भी एक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि बिग, यहाँ पे बिग सेल, जैसे कि बहुत ही 1 तारीख से 7 अप्रैल तक चल रही इंडिया का स्मार्टफोन डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे अब हम यहाँ पे आ जाते हैं एक बहुत ही इंडियन कॉमन सा फ़ोन जो कि मेटरोला, देखिए 37,000 रुपये तक का। ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे हैं 30,000 का यहाँ पे फाइनेंस होगा, बट मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जैसे बहुत छोटे से छोटी चीज़ें भी फाइनेंस करा सकते हैं और बड़ी सी फाइनेंस करा सकते हैं, बस उसके लिए क्राइटेरिया हो तो, जो कि 2500 से अधिक होगा तभी आपका फाइनेंस होगा, अन्यथा आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक फ़ोन में यहाँ पे ले लेता हूँ 10,000 तक का। ठीक है, आप नहीं बनना, आप लोग सोचेंगे कि भाई ये महंगा फ़ोन के चक्कर में दिखा दिया। कि यहाँ पे देखिए, वीवो T35G, ये आपको दुकान पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन मिलने के बाद में यहाँ पे देखिए, तुरंत यहाँ पे एब्सोल्युटली यहाँ पे ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए EMI विथ पे विथ EMI, यानी बाय नाउ पे भी कर सकते हैं ऑनलाइन, पैसे से और कार्ड से भी और डेबिट कार्ड से भी। तो चलिए, यहाँ पे मैं पे विथ EMI पे क्लिक करता हूँ। पे विथ EMI पे जैसे ही क्लिक करनी है तो यहाँ पे आपको लोकेशन पूछेगा, क्योंकि मैं अदर लोकेशन पे खड़ा हूँ और यहाँ पे जो लोकेशन है वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसी लोकेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नो सेलर, यहाँ पे मैं इससे अपनी लोकेशन को यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसकी आई होप मैंने जैसे कि मेट्रोला ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी तो ये लॉन्च ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं दूसरा फ़ोन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वीवो T5Z, यहाँ पे इस प्रकार से इसे सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे पे विद EMI पे आ गए थे। आने बाद में यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू, अगर आपको कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन चाहिए 1 साल तक का, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 1200 रुपये का। यहाँ पे फ्लिपकार्ट या बैक कवर या वीवो VT फिर लेना चाहते हैं या फिर स्क्रीन गार्ड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसमें नहीं लेना चाहता, यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मोबाइल है 25,000 रुपये का, और यहाँ पे 25,058 रुपये का जो कि पड़ेगा EMI पे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कोई भी ज़्यादा आपको चार्ज नहीं देना है। कंटिन्यू विथ EMI पे क्लिक किया। एक क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये देखिए, अब यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करने को बोलेगा। यहाँ पे बैंक सेलेक्ट जैसे ही करेंगे, आपको जो बैंक आपको छूट दे रही हो उसे सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे मुझे देखिए, जिस बैंक का आपके पास कार्ड हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल EMI ऑप्शन, ऑल EMI ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोटक है, तो यहाँ पे बड़ौदा भी नहीं चल रहा है इस पर, नो, यहाँ पे कोटक पे भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे HDFC का जिसके पास कार्ड हो तो बोलोगे, यहाँ पे जाके 24,099 रुपये का यहाँ पे पैकिंग चार्जेस हैं इसका 59 रुपीज़, और यहाँ पे देखिए 49 रुपीज़, और यहाँ पे 6 मंथ के लिए लेते तो 16% है, और यहाँ पे 24 मंथ के लिए भी इसके 16% लगाए गए। तो यहाँ पे मैं
12 मंथ के लिए कर देता हूँ। 12 मंथ के लिए करने के बाद यहाँ पे चूज प्लान पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एटीएम और क्रेडिट कार्ड पे एक 16 अंकों के नंबर होते हैं, उन्हें डालना है। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना है। यहाँ पे सोलह अंक पड़ेंगे, यहाँ पे वैलिड एक्सपायरी डेट पड़ेगी, यहाँ पे सीबीबी जो कि कार्ड के पीछे होता है, यहाँ पे प्लेस इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी डालने के बाद में आपके फ़ोन आपके घर पर डिलीवर्ड हो जाएगा तो और आपको ईएमआई पे इसमें पेमेंट करने लगे। तो आइए दोस्तों, ये कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना मिले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक ले, जय हिंद, जय भारत।